हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल जीएस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, जिन जिन अधिनियमों से हुआ है, हम वह सभी अधिनियम देखेंगे और उन अधिनियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, हम वो सभी क्वेश्चन भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो इस भारत के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये 1773 से 1853 के बीच में जितने भी अधिनियम हैं वो आते हैं, और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत 1858 से 1947 के बीच में जितने भी अधिनियम पारित हुए हैं वो आते हैं। तो हम देख लेते हैं ये अधिनियम कौन कौन से हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम और 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्टर अधिनियम हर 20 साल के बाद आते हैं। 1793 के बाद 13 में आया, 1813 में 20 साल के बाद, 13 के बाद 33 में आया और फिर 53 में आया। तो यहाँ से आप 20-20 साल के गैप से इसे देख सकते हैं। आपको सन भी याद रखना है कि कौन कौन से सन में अधिनियम आए हैं, क्योंकि ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो इससे हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम वहीं पे इन सभी एक्टों को डिटेल से देखेंगे क्वेश्चन के साथ साथ में। अब हम देखते हैं ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटू सुधार भी कहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटू सुधार कहते हैं। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार कहते हैं। नेक्स्ट है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम और 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो यह किस अधिनियम में किया गया कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान। तो यह किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किया गया। यह एक्ट के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब हम वो देख लेते हैं। कंपनी के मामलों के संबंध में पहला महत्वपूर्ण संसद अधिनियम है यह। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये ध्यान रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, और ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो पूछा जाता रहता है प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं या है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और इस उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्पे। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि एलिजा एम्पे कोलकाता के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो यह किस अधिनियम के द्वारा किया गया चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो यह किया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो ये चार्टर अधिनियम क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो यह किस एक्ट के अंतर्गत हुआ, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। 1833 में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया,
अभी मैंने आपको ऊपर बताया रेगुलेटिंग एक्ट से यहाँ पर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ऐसे विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। यह पहला अधिनियम था जिसने भारतीयों को देश के प्रशासन में हिस्सेदारी की अनुमति दी गई। विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। विधि आयोग क्या है? जो भी आईपीसी सीआरपीसी बनाने के लिए आज हम हमारे यहाँ पर जो भी भारत में यूज किए जाते हैं वो उसी समय के बने हैं, तो यह विधि आयोग के द्वारा ही बनाए गए। तो इसी ऐसे कानून बनाने के लिए विधि आयोग का गठन किया गया था। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ यह? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो यह किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई? तो ये की गई मिंटो मार्ले सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1919 के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत और कौन कौन से पॉइंट है? मार्ले, यहाँ पर ये जो मार्ले मिंटो सुधार है ये मार्ले राज्य सचिव होते थे और मिंटो भारतीय वायसराय होते थे। मिंटो भारतीय वायसराय होते थे। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई एक सीट मुस्लिम के लिए रिजर्व कर दी जाती थी, लेकिन वहाँ पर अभी भी यहाँ पर भारत में सीटें तो रिजर्व होती हैं, लेकिन वहाँ पर पहले जो भी सीटें रिजर्व की जाती थी वहाँ मुस्लिम चुनाव भी लड़ता था और जो लोग वोट करते थे वो भी सिर्फ मुस्लिम ही किया करते थे। वहां पर जो अन्य कास्ट के लोग होते थे, धर्म के, वह वोट नहीं कर सकते थे, तो उसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहा जाएगा। तो सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्शन लड़ता था और मुस्लिम लोग ही वहां पर वोट कर सकते थे। नेक्स्ट है, भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दे दिया गया 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर यह किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसमें होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या आता है हम ये देख लेते हैं। सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। इसी एक्ट के द्वारा 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो यहाँ पे संघी आप देख सकते हैं कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई भारत शासन 1935 के अंतर्गत, लेकिन यह कब किया गया? 1937 में। और इसी के अंतर्गत वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। जैसे अभी भी भारत में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जैसे कि वहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो यह किया गया 1937 में, अभी मैंने ऊपर बताया भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं कि 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो यह किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में
यहाँ पर दिया गया है द्वैत शासन के केंद्र प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई किस एक्ट के अंतर्गत? तो यह बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम के दो। तो ये भारत सरकार अधिनियम क्या है ये भी देख लीजिए, 1919 का भारत शासन अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार कहते थे। यहाँ पर ये जो मॉन्टेग्यू है ये सचिव होते थे और चेम्सफोर्ड जो होते हैं वो गवर्नर जनरल होते थे। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ये सिख है, ईसाई, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपीय पर भी लागू कर दिया गया। पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो यह 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें? किया गया था ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? तो अवशेष शक्तियां किसको दी गई? तो ये दिया गया गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियां। नेक्स्ट प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। 1935 का भारत शासन अधिनियम यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से अलग किया गया? तो यह अभी मैंने ऊपर बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत वर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किन में उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो यह आधारित है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 अधिनियम के द्वारा ही केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। इस एक्ट से संबंधित क्या क्या प्रावधान थे? भारत का शासन ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया। जब आपको याद होगा 1857 में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के बाद में जो सत्ता थी वह ब्रिटिश कंपनी के हाथों से अपने हाथों में ले लिया था ब्रिटिश सरकार ने। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। इसी अधिनियम के बाद में अब भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और ऐसे पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, ये भी पूछा जाता है। किस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया? इसी अधिनियम के द्वारा भारत का राज्य सचिव का पद सृजित किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति समाहित थी। इसकी सहायता के लिए, सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद का भी गठन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? तो यह किया गया 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसी के द्वारा कुछ निर्वाचित सदस्यों को पहली बार सरकार बनाने में शामिल किया गया। तो इसके अन्य कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, और इसे ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और मार्ले कौन होते थे? राज्य के सचिव होते थे और मिंटो भारतीय वायसराय होते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है किस अधिनियम को? भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो
तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया है, फिर से देख लीजिए। इसी के अंतर्गत सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों को भी सांप्रदायिक आधार निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया और इसमें पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया 1919 में, जिसे 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में लागू कर दिया गया था द्वैत शासन को प्रांत से हटाकर। प्रांतीय विषयों को दो भागों, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की? तो मैंने अभी ऊपर बताया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो अधिनियम आया था, इसी के बाद में कंपनी के हाथों से सत्ता ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। तो इससे रिलेटेड पॉइंट भी बता दिया कि राज्य सचिव का पद इसी अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया लॉर्ड कैनिंग, और इसी के अंतर्गत गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया और पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। नेक्स्ट प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? तो ये किसके द्वारा लाया गया था मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल? मैंने अभी बताया था मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत कि जो भी इलेक्शन होते थे वहां पर सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इससे रिलेटेड पॉइंट आपको ऊपर बता ही दी हूँ तो ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो यह चलाया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। जब तक हमारा संविधान नहीं लागू हुआ था तब तक 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत का शासन चलाया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे एक्ट हैं जो हमने प्रश्न में नहीं देखे हैं वो मैं आपको लास्ट में बता दे रही हूँ। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके अंतर्गत दोहरा प्रशासन का प्रारंभ किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए व्यापारिक मामलों के लिए बने गए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये राजनीतिक मामलों के लिए बनाए गए। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्य कर्मचारी के वेतन जो होते थे वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। एक एक्ट और बचा है, ये भी देख लीजिए। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। ये ध्यान रखना है कि विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया। विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। तो इस वीडियो में हमने देखा संविधान, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने वो भी देखा जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो इस वीडियो में ये बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए भारतीय संविधान सभा से रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊंगी। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही।